वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। मैं करने वाली हूँ ये बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन को पेंट एक सिंथेटिक क्लॉथ पे। तो देखते हैं इसके स्टेप्स क्या होंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये डिफरेंट क्या है कॉटन और सिंथेटिक में। आप लोग अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि सूट पे कैसे पेंट करेंगे, या अगर कॉटन का क्लॉथ नहीं होगा तो क्या उस पर पेंट कर सकते हैं या नहीं। तो आज आपको इस वीडियो में आपका आंसर्स मिल जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले मैं कर रही हूँ लीफ को पेंट, जिसके लिए मैंने यूज़ किया येलो और ग्रीन कलर। येलो और ग्रीन लीफ के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको पेंट करके देखेंगे तो बहुत ही प्यारा आता है। इसको आप वाइट कलर के फैब्रिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया है। ये एक बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन मैंने ड्रॉ की है, लेकिन आप देखेंगे इसको मैं पेंट बहुत ही डिफरेंट तरीके से करूँगी और इसमें जो छोटे छोटे मैंने एलिमेंट ऐड किए हैं उससे इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। आगे जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। हमने अपनी कुछ लीव्स को इस तरीके से पेंट किया है ग्रीन और येलो से, और मैं कुछ और जो लीव्स हैं उसको शेड करके बताऊंगी ड्राई शेड से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसकी डिटेल वीडियो बनाई है और उसमें डिज़ाइन भी बताया है, तो आई होप कि आपने वो देखा होगा और आपको ये शेड आता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, चैनल को विज़िट करें और वहाँ से आप बहुत ही आसानी से वॉच कर सकते हैं। इसको आउटलाइन पहले हम करेंगे सैप ग्रीन कलर से, डार्क वाले से, और उसी से हम शेड भी करेंगे। अभी आप देखेंगे कि डिज़ाइन तो सिंपल है, लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर पेंट करते हैं तो वो कितना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, तो आप लोगों ने कमेंट किया है कि मैं आपको और भी डिज़ाइन बताऊँ, तो मैंने इस तरीके की भी डिज़ाइन बनाई है कि अगर आप दोनों को मिक्स करके कैसे बना सकते हैं। ड्राई शेड बनाने के लिए सबसे पहले हम आउटलाइन करते हैं और उसके बाद से ऊपर से शेड दे सकते हैं या नीचे से। मैं इसमें नीचे से शेड दे रही हूँ, और अगर आपको लीव में डिफरेंट शेड देखना है तो उसकी मैंने ड्राई शेड पे लीव की वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। लीव का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, फिर हम इसमें छोटे छोटे और चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन और भी प्यारी लगे। तो देखिए, पहले मैं राउंड ब्रश से बना रही हूँ, छोटा छोटा सा पैटर्न है, इसको आप ग्रास बोल सकते हैं या छोटी छोटी सी लीव्स इस तरीके से। इससे क्या होती है कि आपके डिज़ाइन जो है वो और भी अच्छी लगने लगती है और उसका लुक डिफरेंट हो जाता है। अभी मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी ये बनाने के बाद, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो आप स्टेप वाइज देखिए, कुछ भी स्किप मत करिए, ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें समझ आती रहें। तो मैं ये डिज़ाइन के चारों तरफ ऐड करूँगी और उसके बाद से मैं इसमें थोड़ा सा इसके फ्रंट साइड पे कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ, जिससे इसका लुक और भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये पहले बना लेते हैं, फिर मैं उसको बनाऊँगी। आपको बहुत ही ध्यान से देखना है।
हमारी ग्रीन लीव्स हो चुकी हैं, ड्राई शेड हो चुके हैं और ये ग्रासेस। अब देखिए मैं येलो कलर से टिप टिप पे थोड़ी सी डिज़ाइन को इस तरीके से बनाऊंगी कि यहाँ पे हमें लग रहा है फ्लावर जैसा कुछ इफ़ेक्ट आएगा, उससे डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगने लगती है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रीन पार्ट हमारा कम्प्लीटली पेंट हो चुका है, अब मैं फ्लावर को करूँगी। इस डिज़ाइन में आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक ही फ्लावर बनाया है, लेकिन ये कम्प्लीट बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है, वो एक फ्लावर और सारी जो लीव्स और पैटर्न मिला के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि ये कपड़ा जो है वो कॉटन का नहीं है, ये टेरिकॉट बोलते हैं इसको, मिक्स आप बोल सकते हैं, तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया। मीडियम भी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कलर बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। मुझे तो आदत है पेंट करने की, फिर भी मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं इसमें आपके जो ब्रश हैं वो बहुत ही आराम से नहीं चलता, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी पेंट को एब्जॉर्ब कर रहा था। वाटर आपको बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, बहुत बुरी तरीके से फैल जाएगा। क्योंकि वो मैं कर रही थी तो मुझे आइडिया हो रही है कि ये कैसा क्लॉथ है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको शेड करेंगे और शेडिंग में अपने ब्रश पे बहुत ही कंट्रोल रखेंगे। बिल्कुल अगर हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो भी फैल जाएगा। और ब्रश पे कंट्रोल रखना है, ब्रश में जो हम कलर लेंगे वो ब्रश पे अच्छे से लोड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम कलर नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर ब्रश चलेगा ही नहीं इस क्लॉथ पे। आप देख रहे हैं मैंने वाइट अगर कम लिया तो फिर मुझे मुश्किल आ रही है, फिर मैंने और वाइट लूँगी और आप देखिए ब्रश आसानी से चल रहा है। इन बातों का ध्यान देंगे और अभी हमारी जो पेटल्स बची हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पेंट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कम्प्लीट डिज़ाइन का लुक। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपने डिज़ाइन को पेंट कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें मैंने दोनों तरह की लीव पेंट करके आपको दिखाई है। पराग बनाएंगे, पराग हमेशा ही डिफरेंट बनाती हूँ, क्योंकि इससे जो हमारे डिज़ाइन का लुक है वो चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमारी डिज़ाइन कम्प्लीटली पेंट हो चुकी है, मैं इसका आपको दिखाऊँगी क्लोज लुक। और अगर आपने ड्राई शेड वाली वीडियो नहीं देखी तो वो मैं अभी आपको यहाँ लास्ट में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।